जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के भन्नौर गांव में शुक्रवार की शाम 5 बजे एक विक्षिप्त युवक का शव बरामद हुआ। शव एक खंडहर मकान के कमरे में गांव के लड़कों ने देखा और गांव वालों को इसकी सूचना दिया। भन्नौर गांव के राहुल सिंह 29 वर्षीय पुत्र राकेश सिंह अपने घर पर अकेला रह रहा था। उसके भाई अरुण उर्फ गोलू पिता के साथ गुजरात के वापी में रहते हैं। राहुल सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वह गांव में घूमता रहता था। गांव वाले ही उसको भोजन दिया करते थे। राहुल का शव गांव के ही सुदनी सिंह के खंडहर मकान में मिला। शव में बदबू और कीड़े पड़ गए थे। राहुल की मौत कैसे हुई यह जानकारी किसी को नहीं हो पाई। शुक्रवार की शाम 5 बजे गांव के कुछ लड़के पशु चरा रहे थे। बदबू आने पर कमरे में गए और देखे तो राहुल का शव पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी गाँव वालों को दिया। मृतक को गांव वाले 3 दिन से गांव में नहीं देखा था। सूचना पर बरसठी थानाध्यक्ष रामसरी गौतम व उप निरीक्षक राजकुमार यादव के साथ क्षेत्राधिकारी मड़ियाऊ संत प्रसाद उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। यहां सब मिला है भंडार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राहुल सिंह नाम का लड़का है, 28 वर्ष इसकी उम्र है। ये कई वर्षों से मानसिक रूप से विकृत है। इसके परिवार के लोग गुजरात में रहते हैं। इसका एक भाई है, पिता है। इससे कोई वो लोग मतलब नहीं रखते। जब ये पागल हो गया तो इसकी देखरेख बंद कर दिए। इधर उधर घरों में अपना खाना मांगता था, खाता था। परसों से ये दिखाई नहीं पड़ा गांव में, लोगों ने बताया। आज जब थोड़ी सी बदबू हुई तो ये कि खंडहर सा मकान है यहाँ पर, जहाँ हम खड़े हैं खंडहर, यहाँ इसकी डेड बॉडी मिली। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद क्लियर होगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। वैसे प्रथम दृष्टा ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि तमाम झाड़ झंकाड़ है, कोई जीव जंतु भी काट सकता है या और कोई कारण रहा हो, वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। हम लोग पंचायत में भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई करा रहे हैं। घर वालों को सूचना दे दी गई है, वो लोग जैसे ही आ जाएंगे। थैंक यू सर।